नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वायरल फैक्ट चेक और मैं आपका एफसीओ यानी कि फैक्ट चेक ऑफिसर आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं वायरल फैक्ट चेक की शुरुआत, करते हैं पड़ताल, देखते हैं सोशल मीडिया पर कौन सी खबर सही है या फिर गलत। देखिए पहली खबर, सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों का इन दिनों फलाहार करते हुए एक तस्वीर वायरल है। अब इसे शेयर करके दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नवरात्रि में पुलिस कर्मियों के लिए फलाहार की व्यवस्था की थी। लेकिन क्या है इसमें सच्चाई और क्या है झूठ, चलिए करते हैं हम फैक्ट चेक। सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों को फलाहार करते दिखाती एक तस्वीर वायरल है। इस तस्वीर में ढेर सारे पुलिसकर्मी एक बड़ी सी मेज के चारों तरफ बैठकर नाश्ता करते नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करके दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नवरात्रि में पुलिस कर्मियों को फलाहार की व्यवस्था की है। फेसबुक पर इसे एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा कि ये देखो, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने नवरात्रि में व्रत रखने वाले पुलिसकर्मियों के लिए फलाहार का विशेष प्रबंध किया है। जीवन में पहली बार ऐसा दृश्य देखा है, वरना ऐसा आयोजन सिर्फ रोजा इफ्तारी में ही देखा था। फेसबुक पर यह तस्वीर इसी दावे के साथ खूब वायरल है। ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया टीम ने भी इस तस्वीर को शेयर करते हुए सरकार के अच्छे कामों की तारीफ की है। जाहिर है जब सामने ऐसी तस्वीर वायरल हुई तो हमारे जहन में भी कई सवाल खड़े हुए। हम भी इस तस्वीर के सच को बाहर निकालने के मिशन में लग गए। क्या वाकई पुलिस कर्मियों के लिए फलाहार की व्यवस्था की गई थी? यूपी सरकार ने नवरात्रि में ये व्यवस्था की थी? किसी अखबार न्यूज चैनल में ये खबर थी? इस तस्वीर और इसके साथ किए जा रहे दावों की सच्चाई जानने के इसे रिवर्स इमेज सर्च किया गया तो पाया कि ये तस्वीर हाल फिलहाल की नहीं बल्कि साल 2018 की है। हमें यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में एडिशनल एसपी रह चुके विकास चंद त्रिपाठी की एक ट्विटर पोस्ट मिली जो 10 अक्टूबर 2018 को पोस्ट की गई थी। इस पोस्ट में विकास ने बिल्कुल इसी तस्वीर को ट्वीट किया था, साथ में इसी कार्यक्रम की कुछ अन्य तस्वीरें भी थी। विकास चंद त्रिपाठी ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि ये नवरात्रि के पहले दिन लखनऊ के साथियों के साथ फलाहार लंच कार्यक्रम था। असली तस्वीर और वायरल तस्वीर को गौर से देखा गया तो दोनों एक ही थे। मतलब तस्वीर एक ही थी लेकिन पुरानी तस्वीर को वायरल करके नई कहानी गढ़ी गई, लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, अफवाह का बाजार गर्म किया गया। लेकिन फैक्ट चेक टीम ने खबर को और पुख्ता करने के लिए इंटरनेट पर वायरल हो रही खबर को जांचा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित नवरात्रि में फलाहार के इस तरह के किसी भी आयोजन के बारे में खबरें खोजने की कोशिश की गई लेकिन हमें कोई भी आधिकारिक खबर नहीं मिली। जाहिर है हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि 3 साल पुरानी एक तस्वीर को नवरात्रि के दौरान हाल फिलहाल का कार्यक्रम बताकर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल है। वीडियो शेयर करके यूजर्स दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो अयोध्या में चल रहे श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य की है। हाँ, ये बात सच है कि अयोध्या में प्रभु श्रीराम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन जो वीडियो वायरल है क्या वाकई ये अयोध्या का है? चलिए हम करते हैं फैक्ट चेक। राम श्री राम, राम। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। श्रद्धालु 2023 समाप्त होने के पहले भव्य मंदिर में रामलला का दर्शन और पूजन कर सकेंगे। अयोध्या में पूरे राम मंदिर परिसर का निर्माण वर्ष 2025 तक होने की उम्मीद है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर मंदिर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक भव्य मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें नक्काशीदार मूर्तियां लगी हुई हैं। कुछ लोग वहां काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रही मूर्तियां और मंदिर बहुत आकर्षक और भव्य है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि ये अयोध्या के राम मंदिर का वीडियो है। जाहिर है जब वीडियो वायरल हुआ तो हम भी इसका सच बाहर निकालने में जुट गए, क्योंकि ये जानना जरूरी था कि क्या ये वाकई अयोध्या के राम मंदिर का है, और अगर ये सच है तो इसका वीडियो अन्य न्यूज चैनल्स या फिर आधिकारिक वेबसाइट्स पर क्यों नहीं आया, या जानबूझकर कहीं का वीडियो कहीं की कहानी को जोड़ा गया। हमने पड़ताल शुरू की। सबसे पहले अयोध्या के राम मंदिर के नाम से वायरल वीडियो को ध्यान से देखा।
वीडियो देखकर ही हमें अंदाजा हो गया कि इसके साथ किया गया दावा फर्जी है। कि तह तक जाने के लिए हमने इनविड टूल का इस्तेमाल किया। वायरल वीडियो को इस टूल में अपलोड करके कई स्क्रीनशॉट निकाले, फिर इन्हें अलग अलग रिवर्स इमेज टूल में अपलोड करके सर्च करना शुरू किया, जिसके जरिए 25 जून को YouTube पर अपलोड ओरिजिनल वीडियो मिला। यहाँ इस वीडियो को चुली जैन टेम्पल बताया गया। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने यूट्यूब पर चुली जैन टेम्पल से जुड़े और वीडियो को ढूंढना शुरू किया। हमें ऐसे कई वीडियोस मिले जिसका वास्तु शास्त्र वायरल वीडियो जैसा ही था। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी कई वीडियोस और तस्वीर भी मिले, जिनके मुताबिक ये गुजरात के चुली का जैन मंदिर ही है। गूगल मैप्स पर चुली जैन टेंपल खोजने पर गुजरात स्थित बिल्कुल उसी हाईवे का लोकेशन मिलता है जो वीडियो में बताया जा रहा है। वायरल वीडियो और चुली जैन टेंपल के और ओरिजिनल वीडियो की एक तुलना करने पर हूबहू चीजें मिलती जुलती नजर आती हैं। अयोध्या में अभी राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और अभी इस मंदिर के कई मुख्य हिस्सों का निर्माण बाकी है। जाहिर है हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि वायरल वीडियो चुली जैन टेंपल का है, ना कि अयोध्या के श्री राम मंदिर का। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। देखिए, सोशल मीडिया पर एक और वीडियो इन दिनों वायरल है, अब जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक के कोलार जिले का कोटी लिंगेश्वर मंदिर है और ये एशिया का सबसे बड़ा और लंबा शिवलिंग है यहां पर। अब इसमें हकीकत क्या है, क्या है इसकी सच्चाई, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीर देखिए, भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर का आकार ही शिवलिंग के रूप में है। जिधर नजर घुमाओ उधर शिव ही शिव। इसकी भव्यता को देखकर आप भी मुग्ध हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक के कोल्लार जिले के कामा सांदुरा गांव का कोटी लिंगेश्वर मंदिर है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ये भी दावा कर रहे हैं कि ये एशिया का सबसे बड़ा और लंबा शिवलिंग है। जब वीडियो वायरल हुआ तो हमने भी इसकी तहकीकात शुरू की। सामने सवालों की लिस्ट थी। वायरल वीडियो का संबंध कोटी लिंगेश्वर मंदिर से है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। क्या यह एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है? कुछ कीवर्ड्स और वीडियो के फ्रेम के जरिए हमने अपनी पड़ताल शुरू की, जिसके जरिए वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कई जानकारी सामने आई। कई ऑफिशियल न्यूज़पेपर में वही तस्वीर इस्तेमाल किया गया था जो वायरल वीडियो में चल रहा था। इन न्यूज़पेपर्स ने अपने रिपोर्ट में ये जानकारी दी थी कि कर्नाटक में कोल्लार जिले के कामा सांदुरा नाम के गांव में भगवान भोलेनाथ का बहुत विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस विशाल शिवलिंग वाले मंदिर को पूरी दुनिया में कोटी लिंगेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ मंदिर का आकार ही शिवलिंग के रूप में है,
शिवलिंग रूप में इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है। जय जय करुणा श्री महादेव। अखबारों में यह भी जानकारी दी गई थी कि भारत सरकार ने इसे एशिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग घोषित किया है। इस मुख्य शिवलिंग के चारों ओर बहुत सारे शिवलिंग स्थापित हैं। इस मंदिर में भक्त श्रद्धा और अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 से लेकर 3 फीट तक के शिवलिंग अपने नाम से यहां स्थापित करवाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंदिर का निर्माण स्वामी सांब शिव मूर्ति और उनकी पत्नी वी रुक्मणि ने 1980 में किया था। इसी साल यहाँ पहला शिवलिंग स्थापित किया गया था। शुरुआती दिनों में पंचलिंग स्थापित किए गए, फिर 101 शिवलिंग और उसके बाद 1001 शिवलिंग स्थापित किए गए। '94 में रिकॉर्ड 108 फीट का शिवलिंग इस परिसर में स्थापित किया गया। इसके साथ ही एक विशाल और लंबा नंदी भी मंदिर परिसर में स्थापित किया गया है। विशाल शिवलिंग के सामने भव्य और विशाल नंदी को स्थापित किया गया है। नंदी की यह मूर्ति 35 फीट ऊंची, 60 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी है, जो 4 फीट ऊंचे और 40 फीट चौड़े चबूतरे पर स्थापित है। कई वेबसाइट्स में भी कोटिलिंगेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी दी गई है। उसमें भी इसे एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बताया गया है। मतलब ये साफ था कि वायरल हो रहा है वीडियो कर्नाटक में कोल्लार जिले का कोटिलिंगेश्वर मंदिर ही है। लेकिन खबर को और पुख्ता करने के लिए इंटरनेट पर और सर्च किया गया। सर्च के दौरान हम विकिपीडिया पर पहुंचे। विकिपीडिया में भी इस बात की जानकारी दी गई है कि एशिया में मौजूद सबसे बड़े और सबसे ऊंचे शिवलिंग के कारण ये मंदिर बेहद प्रसिद्ध है। जाहिर है हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि कर्नाटक के कोल्लार के कोटिलिंगेश्वर मंदिर में एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और इसे भारत सरकार ने भी मान्यता दी है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। बात नवरात्रि की। देखिए, नवरात्रि के दौरान आयोजित होने वाले कन्या भोजन को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव की एक तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है। अब दावा यह किया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने नवरात्रि में जूते पहनकर कन्याओं को भोजन करवाया। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव संस्कार भूल गए हैं। जूता पहनकर अखिलेश यादव ने कन्या पूजन किया और दशहरे के मौके पर कन्याओं को भोजन करवाया। तस्वीर में जमीन पर बैठकर कुछ महिलाएं और बच्चे खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। खाने की थाली के ठीक बगल में अखिलेश यादव जूते पहनकर खड़े हैं और एक महिला को कुछ सामग्री पकड़ा रहे हैं। यूजर्स यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को जमकर ट्रोल भी कर रहे हैं। पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखपुर में कन्याओं को भोजन करवाया था। बड़े ही श्रद्धा के साथ योगी आदित्यनाथ ने कन्याओं का पूजन किया था। अब इसको लेकर भी तंज कसा जा रहा है। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ की तुलना की जा रही है। तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये संस्कार का अंतर है। हमने वायरल हो रही खबर की पड़ताल करने का फैसला किया। क्या वाकई में अखिलेश यादव ने कन्या पूजन किया था? क्या इस दौरान अखिलेश से कोई गलती हो गई?
सबसे पहले हमारी फैक्ट चेक टीम ने तमाम वेबसाइट्स पर इस खबर को सर्च किया, हमें कहीं कोई लिंक नजर नहीं आया। ऐसी कहीं कोई खबर नहीं छपी थी कि अखिलेश यादव ने दशहरे के मौके पर कोई कन्या पूजन किया हो। हालांकि इन दिनों हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रही है कि वो भी भगवान में आस्था रखते हैं। यूपी में चुनाव होने वाले हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी ये साफ नहीं था कि क्या वाकई अखिलेश यादव ने ऐसा कोई आयोजन किया था। हालांकि अखिलेश यादव दुर्गा पूजा के दौरान रथ यात्रा पर निकले थे, लेकिन इससे ये साफ नहीं होता कि अखिलेश ने कन्या पूजन नहीं किया। हमने रिवर्स सर्च का सहारा लिया, जिसके बाद ये तस्वीर हमें गूगल पर मिली। तस्वीर को लेकर लिखा गया है कि ये तस्वीर साल 2016 की है। 2016 में अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी के श्रावस्ती से हौसला योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और अति कुपोषित बच्चों को पौष्टिक खाना मुहैया करवाना था। मकसद था उत्तर प्रदेश से कुपोषण को खत्म करना। सरकार ने इस योजना का बजट 700 करोड़ रुपए रखा था। अखिलेश यादव ने खुद भी 15 जुलाई 2016 को वायरल तस्वीर ट्वीट की थी। लेकिन जब ये तस्वीर बाहर आई तो अखिलेश यादव पर सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने साफ सफाई की बात करना शुरू कर दी, क्योंकि फोटो में महिला को खाना देने के दौरान अखिलेश का जूता खाने की थाली के बिल्कुल बगल में नजर आ रहा था। लोगों का कहना था कि इस योजना का लक्ष्य पौष्टिक और हाइजीनिक खाना मुहैया कराना है, लेकिन अखिलेश यादव के इस फोटो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को कितना हाइजीनिक खाना मिलेगा। इसके साथ ही ये खबरें भी आई थीं कि शुरू होने के कुछ महीनों के भीतर ही इस योजना ने दम तोड़ दिया था। एक निजी अखबार की खबर के अनुसार कुछ समय ये योजना ठीक ठाक चली, लेकिन बाद में शासन से धन नहीं आने की वजह से गर्भवती महिलाओं को केंद्रों पर खाना नहीं मिला। जाहिर है हमारी पड़ताल में साबित हो जाता है कि तस्वीर के साथ गलत जानकारी दी जा रही है। अखिलेश यादव की ये फोटो 5 साल से ज्यादा पुरानी है और इसका नवरात्रि में होने वाले कन्या पूजन से कोई संबंध नहीं है। अर्जुन डियोडिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। उधर बीजेपी नेता और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी की तस्वीर के साथ एक खबर वायरल है। तस्वीर के साथ दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मनोज तिवारी के साथ मारपीट की गई थी, उसी की वजह से चंद दिनों पहले उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। आखिर क्या है वायरल खबर का सच, करते हैं पूरी पड़ताल। भोजपुरी एक्टर और बीजेपी सांसद दिल्ली में विपक्ष के खिलाफ हमला बोलने में कोई मौका नहीं चूकते। अभी चंद दिनों पहले ही दिल्ली में छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन को लेकर उन्होंने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। ये तुम्हारा चश्मा कौन है जिस चश्मे से तुम छठ को चोट पहुंचाना चाहते हो? हम उस चश्मे को फोड़ देंगे। मांग तो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मनोज तिवारी चोटिल जरूर हो गए थे। उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। मनोज तिवारी अब ठीक हैं, उनके राजनीतिक कार्यक्रम पूरी रफ्तार में चल रहे हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन को लेकर मनोज तिवारी की तस्वीर के साथ ट्विटर पर खबर तेजी के साथ वायरल है। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस की आईटी और सोशल मीडिया टीम ने ऐसा दावा किया है कि प्रदर्शन के दौरान मनोज तिवारी खुद घायल नहीं हुए, बल्कि पब्लिक ने उन्हें पीट दिया था। अब उसी की वजह से वो अस्पताल पहुंच गए थे। वायरल तस्वीर के साथ ट्विटर पर लिखा गया, रिंकिया के पापा फिर घायल, किसी ने फिर तबला बना दिया। नीचे दूसरी लाइन भी लिखी गई। तस्वीर को लेकर मनोज तिवारी की पिटाई के समर्थन में कई कमेंट्स भी किए गए। हमारी जानकारी में पिटाई वाली बात नहीं थी, लिहाजा हमने इस वायरल खबर की पड़ताल करने की ठानी। टीम फैक्ट चेक ने पड़ताल शुरू की तो हमारे सामने सच खुलने लगा। हमने रिवर्स सर्च से वायरल हो रही फोटो की तलाश की। पता चला कि वायरल फोटो 12 अक्टूबर की है, जब मनोज तिवारी को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बारे में हमने गुड न्यूज टुडे में आई मनोज तिवारी फीड खंगाली, तो फीड में हमें मनोज तिवारी उन्हीं कपड़ों में प्रदर्शन करते हुए नजर आए जिन कपड़ों में वो वायरल तस्वीर में नजर आए। फोटो और वीडियो देखने के बाद हमें पता चला कि तस्वीर 12 अक्टूबर 2021 की ही है, जब मनोज तिवारी दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर छठ पूजा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
उस दिन प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के वाटर कैनन की धार से मनोज तिवारी का संतुलन बिगड़ गया था और नीचे गिरने से उन्हें चोट लग गई थी। मौके पर सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे, वहां पार्टी के अलावा दूसरे लोग नहीं थे। चोट लगने के बाद उन्हें पार्टी कार्यकर्ताओं की मदद से दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया था, जहां उसी दिन कुछ समय के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। उनके कान के पिछले हिस्से और गर्दन में मामूली चोट आई थी। इसकी पड़ताल के लिए हमारी फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे पर प्रदर्शन के दिन रिकॉर्ड की गई वीडियो फीड चेक की। इसमें 12 अक्टूबर की वीडियो फीड में मनोज तिवारी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी नजर आ रहे हैं। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड से हटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उस वक्त मनोज तिवारी बैरिकेड के ऊपर खड़े थे, पानी की धार पड़ने से उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गए। उसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल में भर्ती होने के कुछ देर बाद मनोज तिवारी ने अपने ठीक होने की सूचना भी वीडियो संदेश के जरिए कार्यकर्ताओं को दी थी। मेरे भाई बहन, मैं ठीक हूँ। मैं मनोज तिवारी, मुझे चोट तो लगी है लेकिन बहुत चिंता की बात नहीं है, हम डेंजर से बाहर है। हम सफदरजंग में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, टेस्ट भी हुआ है, सिटी स्कैन भी हुआ है। आप सब धैर्य से काम लें। उस दिन की फीड में हमारे रिपोर्टर अमित भारद्वाज भी इसी बात की जानकारी देते हुए देखे जा सकते हैं कि मनोज तिवारी कैसे घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, माइल्ड वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया और इसी बीच पानी की जो पहली बौछार थी, धार थी, वो मनोज तिवारी के सीने पे आके लगी, उनके चेस्ट पे लगी। इसके बीच बचाव के क्रम में वो नीचे झुकने की कोशिश कर रहे थे, जिस वक्त दोबारा वाटर कैनन का दूसरा अटैक उनके कान के पिछले हिस्से पे जाके लगा, जिसके बाद मनोज तिवारी का संतुलन गड़बड़ा गया और वो नीचे गिर गए। जो इसमें अच्छी बात थी, खैरियत की बात थी, वो ये है कि बैरिकेड्स के ठीक नीचे दिल्ली बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता पंक्तिबद्ध तरीके से खड़े थे, जिसकी वजह से मनोज तिवारी को बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। रिपोर्टर से सच पता करने के बाद हमने दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर से पूछा कि सच क्या है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के समय बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस ही वहां मौजूद थी, जहां बैरिकेड से घिरने से मनोज तिवारी घायल हो गए थे। उन पर किसी ने हमला नहीं किया, इसलिए हमने कोई पुलिस शिकायत भी नहीं। ऐसा ही सवाल हमने दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय विश्वाल से पूछा। उन्होंने बताया कि मनोज तिवारी प्रदर्शन के दौरान घायल हो गए थे, उन पर हमले को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पूरी पड़ताल के बाद हमारी फैक्ट चेक टीम इस नतीजे पर पहुंची कि वायरल फोटो को लेकर किया गया दावा पूरी तरह से गलत है। ये जरूर है कि मनोज तिवारी जख्मी हुए, लेकिन ये दावा गलत है कि उन्हें किसी ने प्रदर्शन के दौरान पीटा था और उसी की वजह से वो अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। अर्पित बासु के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए चुनाव आयोग तैयारियों में भी जुटी हुई है और इन सब के बीच पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक पोस्ट वायरल है। अब वायरल पोस्ट के साथ पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि 2022 में होने वाले पांच राज्यों के चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। अब किस राज्य में किस तारीख को चुनाव होगा वो भी बताया गया है, लेकिन क्या है इसके पीछे की सच्चाई, चलिए हम करते हैं पड़ताल। अगले साल की शुरुआत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। दो हजार बाईस में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम पार्टियां भी चुनावी समर को जीतने के लिए व्यूह रचना करने में लग चुकी हैं। लगातार रणनीति बनाई जा रही है, कुछ कमी ना रह जाए इसके लिए सियासी गोटियां फिट की जा रही हैं। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर विधानसभा चुनाव को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट के साथ पीडीएफ का स्क्रीनशॉट भी लगा हुआ है। पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आगामी 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव की तारीख चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। इस दावे के मुताबिक पंजाब में 27 मार्च 2022 को विधानसभा चुनाव होने हैं।
साथ ही गोवा में 15 मार्च, मणिपुर में 19 मार्च, उत्तराखंड में 23 मार्च और उत्तर प्रदेश में 14 मई 2022 को विधानसभा के चुनाव होने की तारीख बताई गई। पंजाब न्यूज एजेंसी ने वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा है, मुख्य चुनाव आयोग ने पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव करवाने की घोषणा की है। अगले साल गोवा में 15 मार्च, मणिपुर में 19 मार्च और उत्तराखंड में 23 मार्च को, जबकि पंजाब 27 मार्च को और उत्तर प्रदेश में 14 मई 2022 को विधानसभा के चुनाव होंगे। पोस्ट के साथ एक पीडीएफ पेज भी शेयर किया गया है, लिहाजा हमने भी वायरल हो रहे पोस्ट की तहकीकात करने की ठानी, क्योंकि सामने सवाल ही सवाल था। पहला, क्या वाकई चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया? दूसरा, चुनाव आयोग ने ऐलान किस तारीख को किया? तीसरा, क्या चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर तारीख के बारे में बताया है? इन सवालों के जरिए फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले न्यूज सर्च किया गया। कीवर्ड सर्च के दौरान हमें जगबानी के फेसबुक पेज पर एक खबर मिली। वायरल पीडीएफ को भी खबर में देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक घोषणा की। चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी करके सरकार से अपील की कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी पिछले 3 साल से एक ही जिले में तैनात है तो तुरंत उसकी बदली कर दी जाए। इसमें यह भी बताया गया है कि पंजाब सरकार का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को पूरा हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में हमें कहीं भी कोई खबर नहीं मिली। अगर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होता तो खबरें सामने आती, लेकिन हमें कहीं भी कोई खबर प्रकाशित नहीं मिली। पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हमने सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट की तरफ रुख किया। यहाँ हमने विधानसभा चुनाव के बारे में सर्च किया, लेकिन हमें पंजाब समेत विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पड़ताल जारी रखते हुए हमने वायरल पोस्ट में साझा किए गए पीडीएफ को दोबारा देखा, जिसके जरिए हमने ये पाया कि वायरल पीडीएफ में पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा की सरकारों के कार्यकाल की आखिरी तारीख लिखी हुई है। हमें वायरल हो रहा पीडीएफ भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी मिला और इसी पीडीएफ के एक पेज का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मतलब साफ था कि वायरल पोस्ट पूरी तरह से फर्जी है और चुनाव आयोग ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी। पीडीएफ का जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो अधिकारियों के तबादले और तैनाती के लिए ये एक सामान्य आदेश है। अगर चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की होती तो ये खबरों में होता और चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती। खबर पूरी तरह से गलत है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। बादलों ने 10 साल के अंदर पंजाब का बुरा हाल कर दिया। देखिए, भारत में शहरों, सड़कों और जगहों के नाम बदलने को लेकर खूब सियासत होती रही है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य मार्ग कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल भी है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हम करते हैं फैक्ट चेक। नाम गुम जाएगा, बोर्ड से शब्द मिट जाएंगे, पुराने की जगह नए नाम चिपका दिए जाएंगे, क्योंकि सियासत में पहचान बनानी है तो हर दांव आजमाना ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में शहरों, सड़कों और जगहों के नाम बदलने को लेकर खूब सियासत होती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट को देखिए, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के अकबर रोड का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य मार्ग कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट काफी वायरल है। वायरल पोस्ट में लिखा है, खुशखबरी, दिल्ली की अकबर रोड का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य मार्ग किया गया। समस्त हिंदू समाज आपका आभारी रहेगा। जय श्री राम। जाहिर है, जब पोस्ट वायरल हुआ था तो जहन में सवाल था कि क्या वाकई अकबर रोड का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य मार्ग कर दिया गया है। अगर ऐसा किया गया है तो ये खबर किसी अखबार, न्यूज चैनल या फिर आधिकारिक न्यूज वेबसाइट्स में सुर्खियां क्यों नहीं बनी? लिहाजा हमने वायरल हो रही पोस्ट की तहकीकात शुरू की। कुछ कीवर्ड की मदद से खोजने पर हमें एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट मिली। 7 अक्टूबर को प्रकाशित इस खबर के मुताबिक हिंदू सेना ने दिल्ली की अकबर रोड पर विक्रमादित्य मार्ग के नाम वाले पोस्टर्स लगाए थे।
जब इसकी जानकारी एनडीएमसी को मिली तो पोस्टर हटवा दिए गए थे। खबर को और खंगालते हुए हम एक आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंचे, जिसमें बताया गया कि अकबर रोड सेंट्रल दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है और इस रोड पर कांग्रेस पार्टी का दफ्तर भी है। 7 अक्टूबर 1556 में मुगल सम्राट अकबर को सम्राट विक्रमादित्य हेमू ने हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। पृथ्वीराज चौहान के तकरीबन 350 साल के बाद एक बार फिर विक्रमादित्य हेमू के रूप में कोई हिंदू राजा बना था। इसी कारण 7 अक्टूबर को हिंदू सेना ने ये पोस्टर्स लगाए थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह हिंदू सेना के लोग अकबर रोड के साइन बोर्ड पर विक्रमादित्य हेमू मार्ग का पोस्टर लगा रहे थे। हमारी पड़ताल में हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट या ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि दिल्ली की अकबर रोड का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य मार्ग किया गया हो। अगर ऐसा हुआ होता तो ये हर तरफ खबरों में होता। हालांकि 2015 में बीजेपी सांसद महेश गिरी की दलीलों के बाद एनडीएमसी ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड रख दिया था। एक न्यूज रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की दलीलों के बाद एनडीएमसी ने 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया था। मई 2018 में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई थी जब अकबर रोड के साइन बोर्ड पर महाराणा प्रताप का पोस्टर लगाया गया था। जाहिर है हमारी पड़ताल से ये साबित हो गया कि वायरल पोस्ट में कही गई बात गलत है। अकबर रोड का नाम नहीं बदला गया है। रोड के साइन बोर्ड पर हिंदू सेना ने बस सम्राट विक्रमादित्य मार्ग का पोस्टर लगा दिया था, जिसे बाद में हटा दिया गया था। सोनाली खट्टा के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल दिया गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर खबर वायरल है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान अंडमान निकोबार का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। अब इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार आजादी के महानायकों के अमर बलिदान का जीता जागता सबूत। यहां की सेलुलर जेल जहां आजादी के अमर नायकों को अंग्रेजों ने काला पानी की सजा दी। चंद रोज पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचे थे। उस समय देखिए कैसे चमक रही थी सेलुलर जेल। अमित शाह 3 दिन के लिए अंडमान निकोबार गए थे। वहां उन्होंने विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। ये तस्वीरें उसी दौरान ली गई थीं। लेकिन आज हम इस दौरे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमित शाह के इसी दौरे को लेकर एक खबर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस तस्वीर के साथ खबर वायरल है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दौरान अंडमान निकोबार का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रख दिया है। कुमार माधव नाम के शख्स ने ट्विटर पर लिखा, अब अंडमान निकोबार नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा। अंडमान निकोबार का नाम बदल गया है। क्या यह खबर मीडिया में आई? आई तो हमारी नजर से ये जानकारी कैसे बच गई? हमारे जहन में कई सवाल थे। क्या वाकई अंडमान निकोबार का नाम बदल गया? दौरे पर कब अमित शाह ने नाम बदलने की घोषणा कर दी? या फिर गृह मंत्री की अंडमान वाली तस्वीर के साथ गलत दावा किया गया? हमारी फैक्ट चेक टीम ने फोटो और उसका सच खंगालना शुरू किया। हमने इसको लेकर इंटरनेट पर रिपोर्ट ढूंढी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के अंडमान निकोबार के नाम बदलने वाली कोई रिपोर्ट नहीं मिली। गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली। हमारी पूरी पड़ताल में हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अंडमान निकोबार दौरे के दौरान अमित शाह ने नाम बदलने की कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने अंडमान निकोबार का नाम नहीं बदला। हालांकि वहां उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन जरूर किया था। सवाल ये उठा कि आखिर नाम बदलने वाली खबर कहां से आई? हमने इसकी पड़ताल शुरू की। इसकी तलाश में हमें अंडमान निकोबार से जुड़ी 2 साल पुरानी रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया था। उन्होंने नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप भी रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था। उसी के 75 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने रॉस द्वीप का नाम बदलकर उनके नाम पर कर दिया था। फिर हमने गृह मंत्रालय की 1 अक्टूबर की प्रेस रिलीज भी चेक की।
उसमें अंडमान निकोबार में कई योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन की खबर मिली, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से विकास की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी उद्घाटन की खबर से जुड़ा गृहमंत्री अमित शाह का 16 अक्टूबर का हमें ट्वीट भी मिल गया, जिसमें लिखा गया है कि आज अंडमान निकोबार के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर पौधारोपण किया। इस द्वीप का नामकरण नेताजी के नाम पर करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभाष बाबू के विराट संघर्ष को लोगों में कालजयी बनाने का एक अद्भुत कार्य किया है। जाहिर है हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप समूह नहीं रखा है। हाँ, ये सच है कि 2018 में केंद्र शासित प्रदेश के एक द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। देशमापुर अक्कल के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। इंडिया मांगे गुड न्यूज़। T20 वर्ल्ड कप। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश की एक दादी अम्मा का वीडियो इंटरनेट पर काफी जमकर वायरल हुआ था। इसमें 90 साल की एक महिला ने हाईवे पर मारुति 800 दौड़ाई थी। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई एक ही बात कह रहा था कि एज इज जस्ट अ नंबर। अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो इन दिनों वायरल है। दावा किया जा रहा है कि 84 साल की उम्र में एक महिला ने प्लेन उड़ाया, लेकिन इसकी कहानी क्या है, चलिए करते हैं हम फैक्ट चेक। देखिए हमारी पड़ताल करती रिपोर्ट। जब दिल जवान हो, हौसला बुलंद हो, तो उम्र मायने नहीं रखता। ऐसा इसलिए उम्र भले ही 80 पार हो, लेकिन जुनून के आगे बढ़ती उम्र भी बाधा नहीं बन सकती। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जहां एक बुजुर्ग महिला ने विमान उड़ाकर लोगों को हैरान कर दिया। सोशल मीडिया पर दादी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग दादी के जज्बे की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि दादी पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित हैं, तो उन्होंने वो सब कुछ करने का फैसला किया जो उन्हें पसंद है, और प्लेन उड़ाना उनके पसंदीदा कामों में से एक है। जाहिर है जब वीडियो वायरल हुआ तो हमने भी इस वीडियो की पड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि एक तो उम्र 84 साल, ऊपर से पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित, क्योंकि इस बीमारी में दिमाग का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है, शरीर में कंपन होता है, उठना चलना मुश्किल हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो को देखकर हमारे मन में भी कई सवाल उठे। सामने सवाल ही सवाल थे, क्या वाकई 84 साल की उम्र में दादी ने प्लेन उड़ाई? वायरल वीडियो कहां का है और किसने शूट किया? सबसे पहले हमने वीडियो को गौर से देखा। वाकई दादी विमान को उड़ा रही थी। एक कुशल पायलट की तरह विमान को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखा हुआ था। फिर हमने वीडियो के की फ्रेम को निकालकर सर्च किया, तो वायरल हो रहे वीडियो का सारा सच सामने आ गया। 84 साल की उम्र में दादी ने वाकई प्लेन उड़ाया था, ये बात बिल्कुल सही थी। दरअसल 84 साल की दादी का नाम मिर्ता गेज है। बढ़ती उम्र की वजह से वो पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं। उन्हें रोजमर्रा के कामों को करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में उनके परिवार ने उनके पसंदीदा कामों की एक लिस्ट तैयार की, और इन सभी कामों को पूरा करने में परिवार एक साथ लग गया। अपने जवानी के दिनों में दादी पायलट थी, ऐसे में उन्होंने विमान की कॉकपिट में कदम रखने की इच्छा जाहिर कर दी, ताकि उनकी खूबसूरत यादें ताजा हो सके। माँ की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेटे ने कॉडी मैटियोलो नाम के पायलट से संपर्क साधा। पायलट की हरी झंडी मिलने के बाद वो एक प्लेन में सवार हुए और अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के विनिपेसाओ की झील और माउंट केयर्स के ऊपर एक यादगार उड़ान भरे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अपने साथी पायलट की मदद से दादी ने हवा में विमान के कंट्रोल भी संभाले। प्लेन के पायलट कॉडी मैटियोलो ने इस खूबसूरत लम्हे की तस्वीरें और वीडियो फेसबुक पर शेयर किया, और फिर क्या था, ये देखते ही देखते वायरल हो गया।
जाहिर है हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर की रहने वाली 84 साल की मिर्था गेज ने सचमुच में प्लेन उड़ाया। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर साधु की वेशभूषा में खाना परोसते हुए एक आदमी की तस्वीर वायरल है। इस तस्वीर के जरिए यूजर्स दावा कर रहे हैं कि इस्कॉन मंदिर के स्वामी ये नेताई दास हैं, जो कभी मुस्लिमों को इफ्तारी कराते थे और हाल ही में इनकी बांग्लादेश में हत्या कर दी गई। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, हमारी पड़ताल, हमारी रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए कुछ पता नहीं। अब ये तस्वीर देखिए, सफेद टोपी पहने कुछ लोगों को साधु की वेशभूषा में खाना परोसते एक आदमी की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल तस्वीर के जरिए कहा जा रहा है कि ये इस्कॉन मंदिर के स्वामी नेताई दास हैं, जो कभी मुस्लिमों को इफ्तारी कराते थे। हाल ही में इनकी बांग्लादेश में हत्या कर दी गई। एक फेसबुक यूजर ने मुस्लिमों को खाना परोसते इस आदमी की तस्वीर शेयर की और लिखा, ये है इस्कॉन मंदिर के स्वामी नेताई दास, रमजान में रोजा इफ्तारी करवाते हुए बांग्लादेश में कल इनकी नृशंस हत्या इन्हीं शांति प्रिय लोगों ने कर दी। यहाँ भाईचारा का मतलब भाईजान का चारा है, जो इस बार नेताई दास जी बने हैं। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी ये फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ये नेताई दास प्रभु हैं, जिन्हें बीते शनिवार इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश पर हुए हमले में जान गंवानी पड़ी। ईद के मौके पर स्वामी मुसलमानों को इफ्तारी कराते थे। पीरजादा सिद्दकी जैसे बंगाल के कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस हत्या की तारीफ की है, शर्मनाक। तस्वीर को वायरल करके ये दावा किया जा रहा था कि साधु की हत्या कर दी गई है, साथ ही तस्वीर के जरिए धार्मिक एंगल भी जोड़ा जा रहा था। ऐसे में हमने वायरल हो रही तस्वीर की जांच शुरू की। वायरल फोटो को रिवर्स सर्च करने पर ये हमें साल 2016 की एक न्यूज रिपोर्ट में मिली। रिपोर्ट के मुताबिक ये इस्कॉन मायापुर के एक साधु की तस्वीर है, जो 22 जून 2016 को इफ्तारी के कार्यक्रम में खाना परोस रहे थे। ठीक यही तस्वीर हमें कुछ दूसरी वेबसाइट्स पर भी नजर आई। सभी जगह इस इस्कॉन मायापुर में आयोजित साल 2016 के इफ्तार कार्यक्रम से संबंधित ही बताया गया है। तस्वीर के बारे में पुख्ता जानकारी हासिल करने के लिए हमने इस्कॉन इंडिया के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस युधिष्ठिर गोविंद दास से संपर्क किया। युधिष्ठिर ने हमें इवान एंटिक के फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भेजा और जानकारी दी, ये फोटो साल 2016 की है और वो खुद इफ्तारी के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसके अलावा ये जानकारी भी सामने आई कि जिस आदमी की तस्वीर वायरल हो रही है उसका असली नाम इवान एंटिक है, उनका दीक्षा वाला नाम चैतन्य नेताई दास है। इवान वर्तमान में पुला क्रोएशिया में है। पैंडेमिक से पहले वो अपने देश चले गए थे। खबर को और पुख्ता करने के लिए फैक्ट चेक टीम ने इस्कॉन मायापुर के प्रवक्ता सुब्रतो दास से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने भी यही जानकारी दी। क्रोएशिया के पुला शहर में स्थित इस्कॉन मंदिर के प्रवक्ता ने भी हमें यही बताया कि इवान एकदम ठीक हैं और पुला में ही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो बांग्लादेश कभी नहीं गए। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद वहां के नोआखली शहर में स्थित इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ था। इस्कॉन ने इस हमले के बारे में एक ट्वीट के जरिए बताया था। ट्वीट के मुताबिक इस हमले में इस्कॉन के भक्तों प्रांता चंद्रदास और जतन चंद्र साहा की मौत हो गई थी। वहीं इस्कॉन के सदस्य निमाई चंद्रदास गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस्कॉन की वेबसाइट पर भी इन्हीं तीन लोगों के नाम हैं। कहीं भी नेताई दास नाम के किसी व्यक्ति के मरने या घायल होने का जिक्र नहीं है। दरअसल निमाई चंद्रदास का नाम नेताई दास से काफी मिलता जुलता है। शायद ये भी वजह है कि बहुत सारे लोगों ने इस वायरल पोस्ट पर यकीन कर लिया। इस्कॉन मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए हमें नेताई दास नाम के एक अन्य व्यक्ति के बारे में पता चला, जिनकी मौत साल 2012 में यूएस की एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। उस वक्त वो सिर्फ 31 साल के थे। शायद इस वजह से भी जब इस्कॉन के कथित साधु नेताई दास के बांग्लादेश हिंसा में मरने की खबर वायरल हुई तो कई लोगों ने इस पर यकीन कर लिया, क्योंकि खोजने पर उनको श्रद्धांजलि देने से संबंधित कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है। जाहिर है हमारी पड़ताल से ये साफ हो गया कि जिस आदमी को बांग्लादेश में मारे गए साधु नेताई दास बताया जा रहा है, वो क्रोएशिया के रहने वाले इवान एंटिक हैं और जिंदा हैं। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।